अब बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर आयोग ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसे लेकर आयोग की तरफ से बैठक की गई, जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं और क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं, ये जानने के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक का, जो इस वक्त पटना स्टूडियो में मौजूद है। सीधे चलेंगे उनके पास। अभिषेक, क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आयोग की तरफ से? देखिए उदय, 20 और 21 फरवरी को दो दिवसीय दौरे पर चुनाव आयोग की पूरी टीम पटना आएगी और जो जानकारी मिली है आज मुख्य चुनाव आयोग जो पदाधिकारी हैं पटना में मौजूद एच श्रीनिवास से जब हमारी खास बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और जो मुख्य चुनाव आयुक्त जो दिल्ली से दो दिवसीय दौरे पर आएंगे तो पहले दिन बिहार के तमाम जितने डीएम एसपी कमिश्नर आईजी और डीआईजी तमाम आला अफसरों को फिजिकली पटना में बुलाया जाएगा और उनके साथ में मैराथन बैठक होगी। उसके बाद जो अगले दिन यानी कि 21 तारीख को जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो अधिकारी हैं या फिर एडीजी मुख्यालय, आरबीआई, एयरपोर्ट, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जितने तमाम अधिकारी हैं, इस तरह के अधिकारियों के साथ में चुनाव आयोग की बैठक होगी। उसको लेकर के आज चुनाव आयोग ने एक हाई लेवल बैठक बुलाई थी और यहाँ पटना में और जो यहाँ के अधिकारी हैं उन्होंने पूरी जो एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है कि चुनाव आयोग जब दिल्ली से जब पटना आएंगे तो उनके सामने क्या कुछ रखा जाएगा, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ कीजिएगा क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ चुनौतियां हैं और किस तरह से आगामी जो लोकसभा चुनाव है वो कराए जाएंगे, इसको लेकर के पूरी तैयारियां जो की जा रही है उसका पूरा एक खाका आज खींच लिया गया है जिसे चुनाव आयोग के समक्ष यहां के अधिकारी रखेंगे। जी उदय, लगता है कि अभी से ही इससे पहले तबादलों को लेकर भी जरूर निर्देश दिए गए थे कि जो 3 साल से जमे हुए उनका तबादला किया जाए और लगता है आचार संहिता यानी तिथि घोषित होने से पहले चुनाव आयोग इन तमाम चीजों को पूरा कर लेना चाहती है। बिल्कुल उदय, आपको याद होगा 2019 में 12 मार्च को आचार संहिता पूरे देश में लग गया था और इस बार भी लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि 12 से 15 मार्च के करीब में आचार संहिता फिर से लग जाएगा। इस बाबत जो ये चुनाव आयोग का जो दौरा है वो महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है और असंभव और जो हर बार चुनाव आयोग आचार संहिता लगने से पहले कोशिश करती है कि हर राज्य में वो फिजिकली दौरा कर ले और सारी चीज़ों का वो जांच कर ले, जो भी तैयारी है उसको लेकर के जांच कर ले, तो तमाम तैयारियां की जा रही है और इस बार सबसे इंपॉर्टेंट है कि तकरीबन 150 से अधिक मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं, यानी जो इस बार जो वोटर लिस्ट का रिवीजन हुआ उसमें जो वोटरों की संख्या बढ़ी है उसको देखते हुए 150 करीब मतदान केंद्र बिहार में बढ़ाए गए हैं और उसमें तमाम तैयारियों का जायजा आज टीम के द्वारा की गई है, आज बैठक में हुई है और जो लोकसभा चुनाव का जो बिगुल है वो बस बजने का देर है और उसके बाद से तमाम चीजें जो है वो चुनाव आयोग के हाथ में चली जाएगी और जितने जो सिस्टम है पूरा चुनाव आयोग में चुनाव में लग जाएगा और उसके बाद जो डीएम है, एसपी है या तमाम जो लोग हैं, तमाम जो अधिकारी हैं वो चुनाव कराने में जुट जाएंगे। तो चुनाव आयोग की तरफ से कहा जाए तो तैयारियां अब शुरू कर दी गई है और तैयारी लगभग अंतिम चरण में है जो जिसका पूरा ब्लूप्रिंट या रूपरेखा जो भी होगा 20-21 तारीख को जो 2 दिवसीय दौरा है चुनाव आयोग के अधिकारी का उसमें उसको रखा जाएगा। चलिए अभिषेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चुनाव आयोग अभी से ही तैयारियों में जुट गया है और मुकम्मल तैयारियों को मुकम्मल रूप दिया जा रहा है।